Hey, hi guys, welcome to my channel Astro Lovers. Today we have discussed about how we score 360 out of 360 in NEET biology. देखो इस टॉपिक पे आपको यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे किस तरह से हम 360 आउट ऑफ 360 बायो में नीट बायो में स्कोर कर सकते हैं, कैसे करें, ये सारे वीडियो आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ आज हम कुछ यूनिक कुछ अलग बात करेंगे जो आपको शायद बहुत कम जगह बताई जाती है, आप लोग आज तक कभी ऐसा आपने नहीं सुना होगा, बहुत कम सुना होगा। सबसे पहली बात ये कि हमें बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर क्यों करनी है। बायो में अगर हम 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर लेते हैं तो सिलेक्शन होने के चांस कुछ ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं, क्योंकि बायो 50% सिलेबस कवर करता है नीट के लिए, और बायो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है और ये मैक्सिमम लोगों का बढ़िया होता है, अच्छा होता है। अब हम कैसे 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हैं, तो सबसे पहला बात होगा कि क्यों करना है। इसलिए करना है क्योंकि अगर हम कर लेते हैं तो सिलेक्शन का चांस थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। 50% वेटेज नीट एग्जाम में कवर करता है सिंगल बायोलॉजी सब्जेक्ट। अब हम कैसे करें, क्या करें, स्मार्ट वर्क क्या है? तो देखो स्मार्ट वर्क ये है कि हमें ये करना है कि जब भी हम बायो पढ़ें तो हम एक बार पूरे बायो को थ्रोली चैप्टर वाइज जाएं, पूरे बायो को चैप्टर वाइज थ्रोली पढ़ें। उसके बाद हमने ये करना है कि हर चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 50 to 60, अगर बड़ा चैप्टर है तो 50 to 60 लाइंस, अगर छोटे चैप्टर है तो 20 to 30 लाइंस ही होते हैं जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी होती है। हमें पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब भी पढ़े इम्पॉर्टेंट चीज़ ही पढ़े। अब बात आती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये चैप्टर में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा तो इसी लाइन से बनेगा या अथवा नहीं बन सकता है। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए, हमें पकड़ होनी चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर। मैं एक स्टोरी आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं कोटा इलेवन में पढ़ता था तो वहाँ मेरे इनऑर्गेनिक के टीचर थे, वो एक टॉपिक पढ़ा रहे थे मेटलर्जी में, ब्लास्ट फर्नेस। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी ब्लास्ट फर्नेस पढ़ाते टाइम, वो 7 पॉइंट सिर्फ ब्लास्ट फर्नेस में उन्होंने लिखवाया था। वो उन्होंने बोला कि दुनिया का कोई भी एग्जाम हो किसी लेवल का, अगर उसमें से ब्लास्ट फर्नेस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, अगर आता है तो इसी 7 लाइन से बनेगा, इसके अलावा कोई भी एग्जाम कोई भी हो कोई भी क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उन्हें पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो चुका था, उन्हें पता था कि कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन क्या बनाता है, क्या बना सकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं जैसे लिविंग वर्ल्ड है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि लिविंग वर्ल्ड में क्या इम्पोर्टेंट है। अब देखो बात क्या होती है कि हम लोग ना गलत जगह पे टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे कि बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पर, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि डेट्स याद करो, साइंटिस्ट का नाम याद करो, डायग्राम याद करो। करेंटली 5 साल से देखा गया है कि नीट में किसी भी तरीके का कोई साइंटिस्ट का ईयर, डिस्कवरी का, साइंटिस्ट का नाम और डायग्राम डायरेक्टली पूछे नहीं जाते, एक्चुअली पूछे ही नहीं जाते। अगर पूछे गए भी तो इवोल्यूशन चैप्टर, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यही तीनों चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है, आप याद कर सकते हो। बट इकोलॉजी में और भी चैप्टर में साइंटिस्ट का नाम याद करना, रटना, ईयर याद करना, उसमें टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो बढ़िया है कि आप लोग कंटेंट पे ध्यान दें, जो इम्पोर्टेंट हर चैप्टर की कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है उस पे ध्यान दें। कोशिश करें कि एग्जाम्पल्स का ट्रिक बनाएं, निमोनिक्स बनाएं, ट्रिक याद करें। जैसे कि मैंने क्या किया था कि हर चैप्टर का जो एग्जाम्पल था उसका मैंने अपना एक अलग ट्रिक्स तैयार किया था। मैं मतलब ऐसा दिमाग अडेप्ट कर चुका था कि एग्जाम्पल आते ही दिमाग में आता था कि ट्रिक तैयार करो सबसे पहले, और ट्रिक मैं तैयार कर लेता था जिसे याद करने में मुझे बहुत आसानी होती थी। अब मैं कुछ चैप्टर्स का नाम बताता हूँ जिसमें बच्चे स्ट्रगल करते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम उस चैप्टर पे वेस्ट करते हैं इधर उधर पढ़ने में। देखो एक्चुअली नीट
मेमोरी का गेम है, और मेमोरी आता है कंसिस्टेंसी से, कंसिस्टेंट हार्डवर्क से। कुछ चैप्टर है जैसे जेनेटिक्स है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, इवोल्यूशन है, एनिमल किंगडम है, मॉर्फोलॉजी है। ये सब चैप्टर में बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं यूट्यूब पर कंटेंट खोजने में कि कहाँ बढ़िया मिले, ये करे वो करे। अरे भाई देखो क्या है कि अगर तुम को अगर कंटेंट कोई टॉपिक समझ में नहीं भी आ रहा है तुम उसे याद कर लो, तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि एकदम सिंपल सादा क्वेश्चन एनसीईआरटी वेस्ट क्वेश्चन आते हैं। अब मैं कुछ चैप्टर की बात करूँ, जैसे कि एनिमल किंगडम चैप्टर है, तो मैं तुम्हें बताऊँ मैंने बस ये एक सीट तैयार किया था एनिमल किंगडम में, ये और एक ये एग्जाम्पल की सीट, बस 60% क्वेश्चन तुम्हारे ये एक और एक ये एक पेज से बन जाते हैं 60% क्वेश्चन। अब इसमें है क्या, इसमें मैंने हर चीज़ लिख रखा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, बॉडी कैविटी, बॉडी प्लान, सिगमेंटेशन, डेवलपमेंट, स्पेशल फीचर, एवरीथिंग एक पेज में। और एग्जाम्पल एनिमल किंगडम में 70% क्वेश्चन एग्जाम्पल से और जनरल कैरेक्टरिस्टिक से आते हैं, जो एक पेज में लिखा है, बस ये याद कर लो एनिमल किंगडम का सारा क्वेश्चन खत्म। थोड़ा सा फीचर से आते हैं वो तुम एनसीईआरटी को पढ़ो वो समझ में आ जाएगा। दूसरा चैप्टर है मॉर्फोलॉजी, इनमें बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं। मॉर्फोलॉजी में भी देखा गया है 60% क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्पल से आते हैं, तो भैया आप एग्जाम्पल याद कर लो आपका 60% काम हो जाएगा। मैंने भी इसमें एग्जाम्पल का ट्रिक बना के रखा है, इसमें रखने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल है, आप ये देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल है, सिर्फ एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया। एक बहुत दूसरा चीज़ मॉर्फोलॉजी में क्या है ना कि फ्लावरिंग फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला पे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी बहुत सिंपल ट्रिक है, उसमें भी बहुत लंबा टॉपिक एनसीईआरटी में दिया, उसमें भी कुछ रटने का चीज़ नहीं है। देखो मैंने ट्रिक बना रखा था, मैंने यह ट्रिक बनाया था, आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने ट्रिक बनाया था रमन की चार गर्लफ्रेंड, फावा, सोना, लिली, ब्रेसी। अब मैंने क्या याद किया कि फावा जो है, फावा आप लोगों को दिख रहा होगा, फावा वो पढ़ने वाली लड़की है, उसे पढ़ने वाली लड़की है, उसे पढ़ने से मतलब है परसेंटेज से, पढ़ने वाली लड़की उसे परसेंटेज से मतलब है। तो याद हो गया कि फ्लोरल फार्मूला जो होगा फेवेसी फैमिली का, उसे परसेंटेज आगे लगा होगा, याद हो गया परसेंटेज लगा, फ्लोरल फार्मूला टिक लगा, फेवेसी का हो गया। तो फावा जो है रमन की गर्लफ्रेंड है, तो रमन पूछा कि पप्पी लेगी क्या, मतलब पैपिलियोनेसी लेग्यूमिनेसी, मतलब फेवेसी का दूसरा नाम पैपिलियोनेसी लेग्यूमिनेसी, खत्म, परसेंटेज से मतलब है, कुछ एग्जाम्पल याद कर लो ठीक है। सोना, रमन की चार गर्लफ्रेंड, एक फेवेसी एक सोना, सोना मतलब 5-5-5, जिस फ्लोरल फार्मूला के नीचे 5-5-5 है याद करो, सोलानियसी का, खत्म, क्वेश्चन 2021 में आया था और ये सही भी हुआ था। तीसरा है लीली, लीली पढ़ने वाली लड़की नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, इसे ये बियर पीते, इसे पैग लगाने से मतलब है, देखो बियर पी रही है और पैग लगाने से मतलब है, यानी पेरियंथ, ऐसे एंड्रोसियम, जी से गैनोसियम, खत्म, कभी गलत हो ही नहीं सकता। ब्रेसेसी का ट्रिक याद करने के लिए KCAG इसका ट्रिक है, 2+2=4, ऐसे मैंने बहुत सारे मतलब का ट्रिक बना कर रखा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अगर आप ऐसे कर लेते हो तो आप बहुत मतलब आसानी से इफेक्टिव मतलब चीज़ें कर पाते हो। अब कुछ मैं NCERT की बात करूँ तो कुछ चैप्टर हैं जैसे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब आपको पता होना चाहिए कि हर साल माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से अगर क्वेश्चन आता है तो बस इस टॉपिक से आता है, इसके अलावा किसी टॉपिक से आ ही नहीं सकता, मैक्सिमम चांस होते हैं। केमिकल इंजाइम एंड अदर बायोकेमिकल एक्टिविटी, जब भी क्वेश्चन आए हैं 90% चांस है कि इस टॉपिक से आएंगे। उसी प्रकार कुछ टॉपिक है जैसे रिप्रोडक्टिंग हेल्थ है, मैं आपको दिखाऊँ रिप्रोडक्टिंग हेल्थ, जो रिप्रोडक्टिंग हेल्थ जो चैप्टर है उससे जब भी क्वेश्चन आएंगे या आए हैं तो बस इस दो पेज से आए हैं। ये पेज इसमें मैंने लिखा भी है, ये नॉन मेडिकेटेड मल्टी लोड LNG-20, इसे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आप देख भी सकते हैं इस टॉपिक से। और यह छोटा सा एक इधर ये टॉपिक है सहेली, इस टॉपिक से। तो आप लोग परेशान ना हो, स्मार्ट वर्क करें, फाइंड करें, हर चैप्टर में बस 20-30 लाइन्स ही इंपॉर्टेंट होती है, जब भी क्वेश्चन आते हैं बनते हैं उसी लाइन से बनेंगे। मैं आपको बताऊँ एक चीज़, जब भी जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, लिविंग वर्ल्ड है, ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है ठीक है, इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन नहीं बन सकते तो मैं ये कभी नहीं करूँगा, रिवीजन करने का ही मतलब नहीं है ठीक है। इस टॉपिक से बन सकते हैं तो जब भी मैं रिवाइज करूँगा मैं ये लाइन पढ़ूँगा जो हाईलाइट है, बस
मैं जब भी रिवाइज करूंगा ये लाइन पढ़ूंगा, इससे कभी क्वेश्चन नहीं बन सकते, इम्पॉसिबल है यहाँ से नेट वाले को एनटी वाले को क्वेश्चन फ्रेम करना, ये हमें पढ़नी नहीं है। तो ये हमें पता होना चाहिए पढ़ते पढ़ते कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसी इंपॉर्टेंट लाइन को पढ़े। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको हेल्प करूंगा इसमें। मैं अभी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज बताने वाला हूँ। ये वीडियो आज अगर आप अगर आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, 2 महीने बाद देख रहे हो, 4 महीने बाद देख रहे हो, ठीक है, कंटेंट यही रहेगा हर हमेशा कि स्मार्ट वर्क बायो में करो, टाइम बचाओ बायो में, साइंटिस्ट का नाम, ईयर, डायग्राम, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम स्मार्ट वर्क करना है कि हर चैप्टर का बायो का सिर्फ कुछ कुछ लाइन जो इंपॉर्टेंस है हमेशा वही पढ़े। ऐसे में 10 से 5 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज होंगी और जो टाइम बचेंगे वो हम फिजिक्स पे देंगे। देखो होता क्या है ना कि हमारा दिल ही नहीं मानता कि हम बायो में ऐसे कैसे कर सकते हैं, कोई चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, सिर्फ 15 लाइन है उस चैप्टर में, उसी से क्वेश्चन आएगा, जब भी आएगा क्वेश्चन उसी से आएगा। हम क्या करते हैं, हमें बोला गया कि नहीं भाई इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है पढ़ो, और हम सोचेंगे नहीं लिविंग वर्ल्ड में लिखा हुआ है कि सुबह उठो, बहुत सारे अमेजिंग यूनिवर्स को देखो, पेड़ पौधे को देखो, ये देखो। अब क्या ना, मेरा मन मानता ही नहीं है कि हम ये चीज़ छोड़ कैसे दिए, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, नहीं हम पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे, हम बायो के साथ ऐसा गलत नहीं कर सकते, हम इसे छोड़ क्यों दें। और फिजिक्स में टीचर पढ़ाता है कि बेटा ये फार्मूला याद कर लो, और हम वहाँ क्या बोलते हैं, नहीं क्यों याद करें, नीट में बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स का मेडिकल में नीट में आ गया कोई काम, मेडिकल में डॉक्टर बनने कोई काम नहीं, फिजिक्स को हल्के में लेके चलो। और बायो नहीं भाई, टीचर अगर पढ़ा दिया कि लीवर है, लीवर में ये होता है, लीवर में वो होता है, उसको हम रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, क्वेश्चन क्या आएगा लीवर से, कभी कुछ नहीं। ग्लाइजेंस कैप्सूल पूछ दिया जाएगा कि उसका मेम्ब्रेन है, करेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का, नॉर्मल सी 2-3 जो एनसीईआरटी में लाइन दिया लीवर से वही क्वेश्चन आएगा। लेकिन मेरा दिमाग ये एक्सेप्ट ही नहीं करता कि अगर हमको लीवर टॉपिक पढ़ना है तो उस पर हम सिर्फ 2-3 लाइन एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो पढ़ें और टाइम बचा कर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में टाइम दें, यही चीज़ से हमारी सिलेक्शन होगी। हम समाप्त करें अपने वीडियो को, तो ये हुआ बात, पहली बात कि स्मार्ट वर्क करें, ठीक है, 360 स्कोर करना बहुत ईजी है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस डायरेक्ट लाइन से आते हैं, हर चैप्टर में इम्पॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करें अपने एक्सपीरियंस पे, अपने पढ़ पे, पढ़ने के बाद अब ऐसा करें कि पता हो गया इसी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो मैं आपको हेल्प करूँगा। मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ यूट्यूब पे हाईलाइट्स, जब भी क्वेश्चन आएंगी वही हाईलाइट्स आएंगी, उसके अलावा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है। और अगर आएंगी भी तो 2-3 क्वेश्चन इधर से आ गई, डजंट मैटर, 360 में 340-350 स्कोर तो कर ही सकते हैं ना भाई। चलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार के अच्छे कॉन्टेंट मैं लाता रहूँगा आप लोग के लिए। चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।